अलीपुर अग्निकांड के पीड़ितों से सीएम केजरीवाल ने की मुलाकात, मुआवजे का किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के अलीपुर में गुरुवार शाम को हुए अग्निकांड में 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इलाके का दौरा किया और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। अलीपुर पहुंचे सीएम केजरीवाल ने कहा कि पेंट ज्वलनशील पदार्थ होता है। लोगों ने बताया कि आग लगने से फैक्ट्री में रखा केमिकल नालियों में बहने लगा, इस वजह से आसपास की कई दुकानों और घरों में भी आग लग गई। इस घटना में झुलसने से 11 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। मुआवजे के बारे में जानकारी देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी के परिवारजनों को दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं उनको 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से झुलसे लोगों को 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं जबकि 2 लोग मामूली रूप से झुलस कर घायल हो गए हैं। सीएम ने बताया कि इस आग की चपेट में आने से आसपास की जो दुकानें और घर जल गए हैं उसके नुकसान का आकलन किया जाएगा और पॉलिसी के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भी सरकार पॉलिसी के अनुसार भरपाई करेगी। किसी की मौत की कोई कीमत नहीं लगा सकता। हम अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यहाँ लोगों से मुलाकात के दौरान 2 मुद्दे निकल कर सामने आए। पहला, फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से आई, इस मामले की जांच करने के लिए हम आदेश दे रहे हैं। अगर जांच में सामने आता है कि घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची है तो इसके लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की यह भी शिकायत है कि ये आवासीय क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ फैक्ट्री कैसे चल रही थी, इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया। कल यहाँ पे शाम को रात को जो आग लगी है ये बड़े दुख की बात है। बता रहे हैं कि पेंट की फैक्ट्री थी और हम जानते हैं कि पेंट कितना ज्वलनशील पदार्थ होता है और वहाँ पे उसमें आग से जो सारा इसका केमिकल था वो बता रहे हैं नालियों में बहने लग गया और नालियों में भी आसपास के इलाके में सारे में आग लग गई। आसपास की दुकानें, आसपास के घर कईयों में आग लग गई। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है हर एक के परिवार को हम लोगों की संवेदना है और हर एक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। किसी की भी मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती लेकिन अपनी तरफ से हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। जो घायल हुए हैं माइनर इंजरी, 2 की माइनर इंजरी थी उनको 20-20 हज़ार रुपये और जो 2 की मेजर इंजरी थी उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मकान और घर जल गए हैं उनकी सरकार की पॉलिसी है उसका सारा आकलन कराएंगे। मैंने अभी DM को बोल दिया और जो नुकसान हुआ है वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनका भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। 2 मुद्दे और निकल के आ रहे हैं। एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड थी वो लेट आई थी। इसके मैं जांच के आदेश दूंगा। इसके मैं जांच के आदेश दूंगा और जो भी इसके लिए दोषी है उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। दूसरा, ये फैक्ट्री यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रही थी इसके भी जांच किया जाएगा कि रेजिडेंशियल एरिया में इतनी कंबस्टिबल कार्रवाई भी होगी। अभी आज ही ऑर्डर देंगे, जल्दी कार्रवाई होगी।